दोस्तों, आपने नाश्ते में बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी और खाई होगी। मैं सुषमा त्यागी मोलीज किचन में आज आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते की एक अनोखी, हेल्दी, टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पेरी पेरी सोया रोल की, जिसे मैंने बनाया है आटे से और केवल 3 चम्मच तेल से। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप यहाँ कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और डाला है एक्टिव ड्राई ईस्ट 1 चम्मच। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप आटा। जी हाँ, गेहूँ का आटा। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब इसे मारने के लिए मैंने लिया है ल्यूक वॉर्म मिल्क 1/2 कप। यहाँ मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म लिया है ताकि हमारा ईस्ट जो है अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह से मैं एक रोटी का सॉफ्ट आटा डो लगाऊंगी। ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 चम्मच आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि मैंने किया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे को एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि आटे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अभी अच्छी तरीके से आटे को मांड के हम 2 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। तो अब चलिए हम बनाते हैं स्टफिंग। यहाँ मैंने लिया है सोया चंक्स और ये लिया है मैंने 150 ग्राम। आप चाहें तो यहाँ पे आप कीमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप मिक्स वेजिटेबल्स अपनी मनपसंद का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐड किया है 1 TSP जिंजर गार्लिक, जो कि मैंने ग्रेट करके रखा था। ऐड किया है 2 TSP विनेगर, जो कि हम चाउमीन में बनाने में यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज पेरी पेरी मसाला हम घर पर बना रहे हैं। सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और कश्मीरी रेड चिली, इन सबों को हम अपने सोया वाले मिश्रण में मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड किया है 1 TSP ओलिव ऑयल। इन सबों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए हम मैरिनेट होने के लिए ढककर रख देंगे। 4 घंटे के बाद ये देखिए हमारा डो फूल गया। इसे मैंने पंच किया और इसे एक बार अच्छी तरीके से फिर से मैंने मांड लिया है। डो को अच्छी तरीके से फूलने के लिए आप किसी गर्म जगह पे रखें, इससे अच्छी तरीके से वो फूल के डबल हो जाएगा। अब इसके मैंने 6 पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि 1.5 कप आटा, या यूं कहें 250 ग्राम आटे में हमारे 6 पफ्स तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने 6 पीसेस कर लिए इसके। अब जैसे कि हम आटे का पराठा या प्याज के पराठे के लिए लोई तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसे गोलाकार लोई का आकार दिया है और इसे ढककर 15 मिनट के लिए फिर से रेस्ट की। जब तक डो रेस्ट करता है, चलिए स्टफिंग बनाते हैं। यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने 1 TSP ओलिव ऑयल लिया है कढ़ाई में। जैसे ही तेल गर्म हुआ, इसमें डाला 1 मीडियम साइज चॉप्ड ओनियन और इसको 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरीके से सॉटे किया है। याद रहे, इसे हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस तब तक करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपना सोया मिक्सचर, जिसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, भुनेंगे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1/2 TSP ब्लैक पेपर, जिसको क्रश करके रखा था, और साथ ही साथ चाट मसाला 1 TSP। इसे स्वाद बहुत ही चटकारा और बहुत ही टेस्टी आता है और इंडियन फ्लेवर आता है। तो ये हमारा मिश्रण हो गया तैयार। अब इसको हम ढककर रख देंगे खुली जगह पे, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तक हमारा स्टफिंग ठंडा होता है, हम चलिए देखते हैं अपना आटा। ये हमारा रेस्टिंग पीरियड हो गया ओवर। अब हम एक लोई लेंगे और इसको हम चपाती की थिकनेस के बराबर बेल लेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसका साइज जो होगा लंबा होगा। ये हमने बेल ली चपाती इस थिकनेस की। अब इसमें डाला है मैंने स्टफिंग। स्टफिंग की क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़ी फ्लेवर डालने के लिए मोजरेला चीज़। आप चाहें तो नॉर्मल चीज़ को भी ग्रेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस तरीके से आपको इस पूरे रोल्स को रोल कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी हेल्दी है, ऑयल फ्री आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने केवल 3 चम्मच तेल यूज़ किया, आपको पसंद आ रही होगी। तो इस तरीके से देखिए, ये हल्का सा प्रेस करा और मेरे 6 पेरी पेरी सोया रोल्स रेडी हो गए हैं। अब इन रोल्स को हम ढक कर 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद कपड़ा हटाया मैंने और इसके ऊपर मैं मिल्क शेप ब्रशिंग करूंगी, ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पर अंडे से भी ब्रशिंग कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर मैं रोस्टेड सेसमे सीड स्प्रिंकल करूंगी और प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री के लिए 20 से 25 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट पेरी पेरी सोया रोल तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के स्नैक्स में खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस रेसिपी को बनाकर इसको एंजॉय कर पाएं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।